गुरुदेव के चरणों में सच सच नमन। गुरु अस्तित्व की खूंटी है, इसका मतलब कृपया समझाएं। सदगुरु की अवधारणा के पीछे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूत्र स्थापित किया। भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। यानी ध्यान का मूल, पूजा का मूल, मंत्र का मूल, मोक्ष का मूल सद्गुरु। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, इतना ही नहीं, इन तीनों को प्रकट करने वाला परम ब्रह्म वो भी साक्षात गुरु ही है। यानी सदगुरु वह है जो ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, साक्षात परम ब्रह्म जो इन तीनों के भी पार है, एक शक्ति जिससे संपूर्ण अस्तित्व का सृजन हुआ, जो संपूर्ण अस्तित्व के रूप में व्यक्त हुआ है, उसका भी प्रतीक कौन हुआ? सदगुरु हुआ। जब किसी व्यक्ति के प्रति आपके प्राणों में ऐसा भाव पैदा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अस्तित्व की खूंटी यानी अस्तित्व का प्रतीक यानी साक्षात परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। और जब आपने ऐसे किसी व्यक्ति में साक्षात परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, सदगुरु तो सिर्फ एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा में आप साक्षात परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब सदगुरु तुम्हारे लिए साक्षात परमात्मा का परिणाम देने लगता है। अस्तित्व की खूंटी का अर्थ इतना ही है, जैसे आप मंदिर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब वह पत्थर की मूरत पूजा के लायक हो जाती है, तभी उसकी पूजा संभव है जब आप उसमें परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर भाव करते हैं कि यह पत्थर की मूर्त ने साक्षात परमात्मा इसमें धड़क रहा है। सद्गुरु पत्थर की नहीं, जीवंत प्रतिमा है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा, उसमें तुम साक्षात परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, उसमें साक्षात उसके परमात्मा होने का भाव पैदा कर लो, तो एक चमत्कार होगा तुम्हारी जिंदगी में। इस भाव से तुम सद्गुरु के पास जाओगे तो सद्गुरु का हाथ तुम्हारे लिए परमात्मा का हाथ बन जाएगा, सद्गुरु का वचन तुम्हारे लिए परमात्मा का वचन बन जाएगा। इसीलिए जब तुम श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से सद्गुरु के समक्ष पहुंचते हो और सद्गुरु के मुंह से निकल जाता है कि तेरा सपना पूरा होगा, तेरी समस्या समाप्त, तो तुम्हारे प्राणों में 100% भरोसा पैदा हो जाता है कि गुरुदेव ने कह दिया, अब तो मेरी समस्या समाप्त हो ही गई। जैसे ही ये भाव आता है, मेरे प्राणों का अनुभव है, उसी क्षण तुम्हारी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है और तुम्हारी आकांक्षा पूरा का पूरा साकार होने लगती है। कितनी गहनता से तुमने सद्गुरु को अस्तित्व की खूंटी माना है, कितने प्राणों से तुमने साक्षात परमात्मा की सद्गुरु में प्रतिष्ठा की है, सारा खेल तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा की भाव शक्ति का है। मन जैसा जैसा भाव कर लेता है वैसा वैसा इस अस्तित्व में प्रकट होने लगता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जैसा जैसा विचार करता, जैसा जैसा भाव करता है, वैसे वैसे परिणाम उसके जीवन में पैदा होने लगते हैं। अगर तुमने इस भाव से सद्गुरु को देखा जैसे साक्षात परमात्मा को देख रहे हो, तो जब सद्गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के विकारों को भी समाप्त कर देगी उसी क्षण। ऐसा मैंने अनुभव किया है। ये सारा चमत्कार तुम्हारे भीतर की शक्ति करती है, ये मत समझना कि कोई और करता है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, यद यद ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे। आप अपने उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अगर इस भाव से आप सद्गुरु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जैसे मैंने देखा है, आप में से कितने लोग हैं
जिनको मैं जानता हूँ कुछ बहुत ही अकड़ू है, जल्दी से किसी को नमस्ते भी नहीं करते, करते भी हैं तो हाथ उठा के यों यों कर देते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो एकदम चरणों में ऐसे झुक जाते हैं जैसे कि कोई निर्दोष भोला भाला बच्चा। यानी उनके प्राणों में एक झुकने का भाव सिर्फ इसलिए आ गया कि वे किसी व्यक्ति से नहीं, साक्षात गुरु भगवान के चरणों में झुक रहे हैं। ये भाव ही तुम्हें शक्ति देता है, वो भाव ही तुम्हारे कष्टों का निवारण कर देता है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देता है और तुम्हारी आकांक्षाओं को पूरा कर देता है। आपके भीतर की ये शक्ति जगे और आपके भीतर का भाव गहरा हो, शक्तिशाली हो, इसी कामना के साथ आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।